नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासी जेके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राम सिंह शर्मा। तो आज सर्वे कला संगम ने एक नाटक पेश किया, मुझे आज़ादी चाहिए, जिसका उनका मेन उद्देश्य यही था कि लड़कों के मामले में लड़कियों को गलत तवज्जो दी जाती थी, चाहे वो शिक्षा के तौर पे हो या किसी और अन्य किसी मामले में हो। तो उसी में ये आप राजेश अजनबी जो है वो नाटक करके अपनी टीम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। आए दिनों में हमने दो दिन पहले भी आपको पौनी में उनका एक कार्यक्रम हुआ था, उसके बारे में आपने दिखाया था। और इनका हमें यही मेन मोटिव होता है कि अपने तरीके से इन लोगों को कुछ ना कुछ सुझाव मिले, कुछ सजेशन मिले। तो उसी में एक इन्होंने आज एक नाटक किया है, तो ये नाटक अंत तक आप जरूर देखिए। तो हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मन करा दा एक उल्लू पाड़ी ले। एक क्या करे जो दो दो उल्लू गए अब करना कुछ करा है इंसान ही खिलाने पूछने की लौट करा ही बोली मजाक करती भाई है उल्लू पालना और काम का है कन्न में नहीं देना करना का खनी वो कन्न में नहीं देना काम आ तोली आ बागवान जनानी तारीफ करनी चाहिए चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी तुम्हारे को दुखी मैं थोड़े को दुखी काली नी पौना के पता गड्डी धोई भी है जाने के पता पैदल आवा दी है आई जी इन्नी तत्ती तू भविष्य में पैदल आई और गड्डी बेच आया, पर कोई नहीं मेरे पढ़ना है ना, पर ये भेदभाव की है। मी भी भूख लगी रही थी, उसी भी भूख लगी रही थी, उसी रोटी पाने ना ही मी आखा दे और मी आखा दे जा अंदर बने ली पहली तू पाई ला खाई ला, ये भेदभाव की है, ये नहीं होना। अच्छा कितने पैसे चाहिए? 800 तक कर लो। ए कुड़ी बाकी कौन कह रहा ना, तो मम्मा जी नोट फोटोकॉपी करा दे, कोई केस नहीं कर तो क्यों करा पर है दिया होते जे तू तो खा ले नोट चाहिए 800 रुपया इनने का खर्चे ने और 800 रुपया ने चाहिए। तो ठीक है वो कुछ गया आया जो बस मेरा मैच है हां ਮਾਊ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ।
अपनी अरमाने करने, अपनी पढ़ाई करने, ते अपने भविष्य करने किन्ने बारी आख्या मैं पढ़ना है, मैं पढ़ना पर नहीं की पढ़ाई सुनो बोले आख्या से हमेशा से तेरा साथ दिता अपनी पढ़ाई ले, अपने भविष्य ले, अपने
अपनी खुशियां ले समाज कन्ने कंधा कन्ने कंधा मिलाइए चलने की आजादी, अपनी जिंदगी विच किश करने की आजादी। मम्मी मैं ये सोचनी हां कि जेड़ा किश अस स्कूल पढ़ने हां, जेड़ा सारी किताबें विच लिखे दा है, अगर मैं उहदे उप्पर चल ही नहीं सकां तां उसी पढ़ने दा की फायदा है? बेमतलब हो रहा ना वो। अजकल अस सारे वीमेंस डे मनाने हां, मतलब जनानियां दा दिन, कि नारी शक्तिशाली होनी चाहिए। किरण बेदी पहली आईपीएस ऑफिसर, वो भी एक कुड़ी है। कल्पना चावला जेड़े स्पेस विच गए, वो भी एक कुड़ी है। आज डीसी एसपी सीडीपीओ सारे नारियां, सारे नहीं आख सकते, मतलब नारियां भी हैं। तो मी एक गल सुनाओ कि समाज की उस कुड़ी की आवाज सुनोचती है जिहदा पर रोज अत्याचार ते बलात्कार जैसे गुनाह होंगे। आज अगर एक कुड़ी अपनी आवाज चुकती है, बोलती है, दे समाज उहदे मुंह पर जोर दा तमाचा मारिया उहदा मुंह बंद कर दिंदा है। हमेशा एक कुड़ी उपर क्वेश्चन पुटे जांदे ने कि तू नारी है, तू कुड़ी है, तू औरत है, तू किश नहीं करी सकदी। पर अज सवाल ए नहीं है, अज सवाल ए है कि मी कौन रोका करदा। इहदा जवाब है शायद ओ नारी जेड़ी कमजोर ही, पर उन्हें जिन्नियां मर्जी दीवारां उच्चियां करी लाओ, रस्ते जिन्ने मर्जी लंबे हो जान, मेरे पैर दे छाले हुन मी नहीं रोकी सकदे। हुन उस मौके विच नहीं रोयो कोमलता आली नारी। मैं कल भी कठोरता दी एग्जांपल ही, अज भी हां ते हमेशा रहूं। मैं अपना भविष्य बनाइए दसो, मैं अपना भविष्य बनाइए दसो, मैं अपना भविष्य बनाइए। बड़ी गलती की थी उन अच्छे के शबाल, सारा ध्यान तेरे पास है और सारा टाइम तेरे पास है। मस्ती आई है, नमस्ते नमस्ते ना नमस्ते। बड़े चुने भाई ये कहने थे अपने कमे आई है तू लिखिया। अच्छा बड़ी शान मुबारक आई गल है। ओ आई आ भाई तेरे रिजल्ट का क्या बनिया? ला लाड़ जिसी लाया लाड़ ते ये फेल ते जिसी तू तड़िया समझिया नहीं ते ओ पास होई ना रोशन करी। शुक्रिया।